Assalamualaikum, welcome back to another video. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ना तो मैं कोई अर्निंग ऐप लेके आया हूँ, ना ही मैं कोई हैकिंग वीडियो, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगा कि GTA San Andreas जो है वो एंड्रॉयड में किस तरह प्ले करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 200 MB में। GTA San Andreas से काफ़ी सारे लिंक्स हैं जो 900 MB प्लस हैं, यानी 1 GB में भी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 200 MB में है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3 ऐप्स रिक्वायर्ड हैं। एक है CPUs जो है आपके प्ले स्टोर पर मौजूद है, आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है। ZAchiever ये काफ़ी मशहूर ऐप है जो APK होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट वगैरह करने के लिए। ZAchiever आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद जो आपने San Andreas की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ये प्ले स्टोर पे जो है पेड है, और हम इसको पेड डाउनलोड नहीं करेंगे बल्कि हम इसको यूसी से डाउनलोड करेंगे GTA San Andreas सर्च करके। 3 ऐप जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको जो स्पेस रिक्वायर्ड है डाउनलोड करने के लिए, वो मिनिमम जो है 500 MB आपको चाहिए। उसके बाद आपको मैं कुछ फाइल्स बता दूंगा, वो आपने डिलीट कर लेनी है। तो ये जो टोटल गेम है ये 250 MB में सिर्फ चलेगी। तो सबसे पहले आपने अपना डाउनलोड कर लेना है यूसी ब्राउज़र। जब आप डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपने सर्च करना है एंड्रो गेमर। मेरा चूँकि इस टाइम नेट स्लो था तो मैंने इसीलिए जो है एंड्रो गेमर पहले से सर्च करके तो मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। आपको गेम करके बता देता हूँ, यूसी आपने ओपन करना है, एंड्रो गेमर सर्च करना है। ये फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा इसको आपने ओपन करना है एंड्रो गेमर का। एंड्रो गेमर ओपन हो रहा है, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है GTA San Andreas। यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम GTA के जो है मोड हमारे पास पड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको पहले बताता चलूँ कि CPUs जो ऐप है ये मैंने बेसिकली आपको इसलिए बताई है क्योंकि 200 MB में जो फाइल्स हैं हमारे पास वो अलग अलग एंड्रॉयड्स की हैं और अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन की हैं। इस टाइम आप मेरे पास देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल का जो है तमाम सेटअप आ गया हुआ है। बेसिकली ये ऐप भी CPUs के रिलेटेड है। यहाँ पर आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन, सिस्टम और बैटरी वगैरह, थर्मल सेंसर, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास है मौजूद है। लेकिन अभी हम लोगों ने उसमें सिर्फ एक ऑप्शन चेक करनी है जो है GPU रेंडरर ये लिखा हुआ है, मेरा आ रहा है माली T720 को आपने नहीं चेक करना। उससे पहले माली हो या इसके अलावा कोई हो तो आपने सिर्फ उसको चेक कर लेना है। उसके बाद आपने फिर एंड्रो गेमर में चले जाना है। एंड्रो गेमर में जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे नीचे आते जाएँ तो ये आ रहा है GTA San Andreas Lite V8 माली का। आपका अगर तो कोई और आता है तो आप सर्च करके वहाँ पर एंटर करें और वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने, मैंने चूंकि पहले से किया है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ ताकि टाइम जो है वो हमारा बचे। ZAchiever आपने ओपन करना है जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है। ZAchiever करने डाउनलोड करने के बाद और ओपन करने के बाद ये आपकी जो फाइल है वो ये आ रही है इस टाइम, ये वाली। इसको आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हेयर की ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट हेयर करके ये मांगेगा पासवर्ड। पासवर्ड जिसका है वो है एंड्रो गेमर इसका पासवर्ड है, आपने याद रखना है ANDROGAMER। तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल हैं, कैपिटल नहीं है। अभी जो आपकी गेम है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। जब तक एक्सट्रैक्ट होती है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, और चैनल अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी सब्सक्राइब करवाएं और मेरी जो वीडियो है वो भी शेयर करें ताकि जो चैनल है वो जल्द अज जल्द जो है ग्रो हो। गेम एक्सट्रैकिंग के वाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारे डिवाइसेस होती हैं जो गेम एक्सट्रैक्ट करते वक्त डिवाइस जब बंद होती है तो एक्सट्रैक्शन जो है वो कहीं पे रुक जाती है, तो आपने इसको रुकने नहीं देना। अभी जो है गेम एक्सट्रैक्ट होके इस फोल्डर में आ गई है। इस फोल्डर को जो है हम करेंगे कट। कट करने के बाद आपने जाना अपने एंड्रॉयड में।
डिवाइस मेमोरी के एंड्रॉयड फोल्डर में जाके ओबीबी में इसको पेस्ट कर देना है। ओबीबी में ये पेस्ट हो गया, फिर आपने अपना जो है GTA San Andreas की ऐप को ओपन करना है। GTA San Andreas की ऐप के वाले से मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपने डाउनलोड करके एक ऑप्शन आती है ओपन की और एक डन की। ओपन ही आपने इसको करना, उसको डन कर देना है। जब आप इस तरह एक्सट्रैक्ट करके ओबीबी में ले जाएंगे उसको, तो फिर आपने इसको ओपन करना है। ये आप जिस तरह देख रहे हैं कि हमारी जो गेम है ये स्टार्ट हो गई है। अब इसमें एक और इशू आया, ये है आईडी का। आईडी अगर आप क्रिएट करते हैं तो आईडी के लिए आपको साइनअप के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और आप इजीली प्ले नहीं कर सकेंगे, तो आपने इसको ऑफलाइन ही प्ले कर लेना है। ऑफलाइन प्ले करके तो आप ये देख सकते हैं स्टार्ट गेम, और अब आप गेम इंजॉय करें। आप देख सकते हैं कि गेम बिल्कुल ओरिजिनल है और 200 MB में ये है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो गेम है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, और अभी आपके पास जो है स्पेस इशू आ रहा है। स्पेस का जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको कुछ फाइल्स बताऊंगा जो आपने डिलीट कर लेनी है, तो उसके लिए आपने जो है ओबीबी वाला फोल्डर जो है वो अपने पास रखना है सेव, और जो दूसरी आपकी फाइल है जो आपने डाउनलोड की है एक्सट्रैक्ट करने के लिए 203 MB की जो है, इसको आपने डिलीट कर देना है। और ओबीबी में जो इस टाइम मौजूद है आपकी फाइल, उसको आपने अपने पास सेव रखना है, जो ये स्टार फर्स्ट वाली आ रही है, ताकि आपकी जो गेम है उसमें कोई एरर वगैरह ना आ जाए। तो होप यू एंजॉय द वीडियो। वीडियो को जो है आप लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल मेरा सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।